हेलो, एनी कौन? एनी आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी, मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था। आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है। मैंने मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा नहीं, वारा तो मारा नहीं है? तो मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी। मतलब झूठे, लायर लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या मैं वो किसी पागल और से हो गई शादी थी, कर रहे पर हो? शादी नहीं कर रहा है। लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, और इतना झूठा है, इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके हेलो, Am I speaking to Dr. Bedi, a nutritionist? Dr. Bedi, यस स्पीकिंग, हू इज दिस? मैं अतुल बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे एक तो अपॉइंटमेंट लेना था, एंड यू नो थोड़ा वेट से परेशान हूँ मैं, तो मुझे आपको दिखाना था सर एक बार। तो ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, एक सिटिंग आपको नहीं, देते हैं, सिटिंग अपॉइंटमेंट देते हैं। मैं जरूर लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस वेट से। तो सडनली मेरी नजर पड़ी आपके ऐड पे कि यू नो वेट लूज के लिए, तो इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ अपने वेट को लेके। आप डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा सर परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान हो गए? कितना वेट हो नहीं गया नहीं अपना? अभी 162, कितना 162 162 162 है अभी। एक्चुअली कितना कैसे हो गया? फ्रिज नहीं है ना घर पे हमारे। फ्रिज नहीं है हाँ, फ्रिज नहीं है, तो इसका आपके वजन से क्या मतलब है? तो वो सारा खाना जो बचता है कहाँ रखें अच्छा फिर। डॉक्टर साहब, नवेद बोल रहा हूँ मैं, नवेद रेडियो बिटिस है। बड़ी सही बॉडी है मेरी, बट सही है। डॉक्टर थैंक साहब थैंक यू सो मच, आप इलाज यू सर, थैंक यू। करिए। ओके नमस्कार, मैं हूँ विपुल, माफी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो हेलो, सर बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ये बेटे मोबाइल में इसमें ये ना आ रहे पूरे, ऊपर को डंडे हो, ऊपर को डंडे नहीं हो, नेटवर्क है। यहाँ से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ, गांव सियाना, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, करीपट्टा भवानी से। सर हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भैया हमारे डंडे कभी चले जाए, कभी हमें आप जैसे बाड़े पे गुजावे, बाड़े पे तो पूरे खड़े हों, लेकिन घर में ये पूरे डंडे नहीं आ रहे। इसके काल में लगे, काल जाने किसको लग गया, कल लग गई इसे चौधरी बीरपाल को, मिला रहा था मैं उनसे। एक्चुअली सर ये जो प्रॉब्लम है, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ऑपरेट कर पाएंगे फोन? है, क्या करेंगे फोन, ये नेटवर्क का इश्यू है। है, क्या कहो। हेलो भैया, ये कैसे होगा? तो अंकल यार आप यूज क्यों करते हो, आपको चलाना सेल नहीं आ रहा है। अरे बेटे माफ करियो, बेटी को समझा दो हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, बात करियो। हेलो नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं विपुल। कैन आई नो योर नेम प्लीज? या विपुल। So Vipul, my dad is trying to explain you that his network is not really the proper network that he had actually paid for initially, and he's not getting the right network. So he's a bit worried right now that what's happening to his phone. So can you just solve a little queries here? He's having a lot of queries. Also, one more thing, Vipul, I wanted to ask you, what technology are you using? Are you using GSM, which everybody knows it's a global system for mobile communications, or are you using CDMA, which is code division multiple access? Because I believe in the US they use CDMA a lot. Yeah. What's the frequency band that you're operating on? Is it 850 megahertz or is it 850 to 1900 megahertz? And you know, Vipul, what happened last night? You know, my son broke the subscriber identity module, which is the SIM he took out from the phone, and he broke my subscriber identity module. What do I do now? I mean, how do I apply for the next one? Ma'am, you have to switch your Switch off your mobile and you have to switch on your mobile. हेलो बेटी। या डैड। ये तो स्विच ऑफ हो गया ये। बिल्कुल, इसलिए कहूँ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल चलाओ, पूरी दुनिया पे भारी है बेटी है। या डैड, यू राइट, नवीद रॉक्स। आई एम रॉकिंग, माय बिटिया इज रॉकिंग, हुर्रे। हेलो
हेलो हेलो आरन बोल रहे हो आप? यस आरन, मैं ये इंटरप्राइज से MD बोल रहा हूँ, इंटरप्राइज का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी, हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा, तो मेरे को लगा मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि यू नो आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई फ्यूचर कर सकता में हूं। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ मेरा रिज्यूमे पहुंचा। एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, इधर दिखाइए एक सेकंड। गौरव व्हाट इज दिस? दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे PPT बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं क्या, आप बहुत देर को आंखें पर दिखाई, क्या क्या गधे पन का काम किया तूने? इधर अब, इधर अब। हेलो हेलो आरल, वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? हेलो मिस्टर सिद्धार्थ? यस मिस्टर सिद्धार्थ, आई एम मुकेश। I'm Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I join office tomorrow. Okay. But no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually, I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. सलक का बताया, आँख आ गया है। Okay, अगर लोग हैं then don't come. Hello. Is that Sarah? Yeah, who's this? Sarah, Dhruv. Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So, Sarah, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago and I was wondering if I should get in touch first. And then I in fact showed your profile to one of my friends and she was like, hey, one second, I've seen this Dhruv on Twitter, on Tinder. I know. But I'm kabhi mile nahi hai. So, main soch raha tha, let's meet up aur phir decide karte hain shaadi wadi. Shaadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say we go to Morrison's or we could go to Sheraton perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. perfect. So I'll come over like main 8 baje aaun, Sara. Haha, that's fine. Actually, come after 9-ish because I'm actually going out with friends. Mm-hmm. One of my best friends getting married. Mm-hmm. So I'm taking her out shopping. Mm-hmm. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over aur main jab pahunch jaunga aapke ghar ke samne, main horn dunga, right? Oh, you have a car? Nahi, car nahi hai, horn hai. I have a horn. Mere paas abhi pada hua hai. Ye maine na ye milte hai 25-25 rupaye ke milte hai ye abhi. ये बच क्यों नहीं रहा यार अभी? ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं हाथ में लेके जाता हूँ, तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया, ये काम करता है। और सारा, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में जरूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई। बोलिए। हेलो मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है क्या? किस नहीं, आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी?
सर कौन बोल रहे हैं, किस बात पे बुरा मानना, ये क्या? आई नो आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइन गिफ्ट उसको दिया था है? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें आप, इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? नहीं, क्या कौन? देखिए 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे जैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो हाँ नहीं इतना तो बुरा वही मैं कह रहा हूँ, इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है। बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए उसके भी आए हैं, मैं कहता हूँ मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है, आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी मैं नहीं माना, मैं ये कह रहा हूँ इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप। रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था, रोज डे बुके दिया था ना। अगर आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं की फिर पार्टी में छह लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे, किसने दिए थे पैसे? मैंने दिए। हाँ तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा, आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो हाँ, क्या हाँ। सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप? नहीं आप मेरे को ये बताइए इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया है आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे। हाँ तो नहीं तो आस्था ने कुछ नहीं लिया मैंने पता किया तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे, ये क्या बुरा मानने की बात है? इसमें मुंह सुझाएगा तू, मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो नहीं क्या बुरा मानने की बात है मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या? इसपे बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बात में बंदा बुरा बन जाता है, अगर ध्यान से सोचना तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ आप, एक 4 साल में आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए हो गए आप रेस्टोरेंट पे मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए हो गए आप? याद नहीं, नहीं याद नहीं, मैं कहूँ 20 बार गए हो नहीं गए हो? बीस बार मैं कह रहा हूँ 20 बार में, मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए, हर बार में आपने पैसे दिए, अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया इस पे क्या बुरा मानते हैं इतनी छोटी छोटी बातों पे? कह रहा हूं मैं 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं, इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है? हेलो कहां खो गया भाई? हेलो हाँ। क्या सोच रहा है भाई, कोई बुरा मानना चाहिए? नहीं बुरा तो नहीं लगा कभी। वही अच्छा भाई ठीक, मैं रखता हूँ, मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे भाई। हाँ ठीक।